और मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ छोड़ने वाली एमकेएम को अब खुद मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत की जानिब से वादे वफा ना होने पर एमकेएम पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सालिस का किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत का कहना है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के ज़ामिन शहबाज शरीफ थे, अब वो ही दरमियान में आकर हमारे मुतालबात मनवाएं। मिलाया किया उसमें से एक भी वफा नहीं हुआ। एमकेएम पाकिस्तान के शिकवे शिकायत, वजीर आजम से सालसी का किरदार अदा करने का मुतालबा। एमकेएम की राबता कमेटी का अहम इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी से मुआहदों पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश किया गया। सिंध हुकूमत के रवैये पर इजहार अफसोस हुआ। एमकेएम ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के जामिन थे, वो इस नाजुक सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती एक्ट अदालती फैसले के मुताबिक तैयार करने का वादा किया था, जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। जबकि सिंध में हल्का बंदियां भी इलेक्शन कमीशन के बजाय हुकूमत ने की, जिसमें बदतरीन तासुब और धांधली का मुजाहरा किया गया। इस तरह की हल्का बंदियां कबल अज इंतखाबात धांधली की बदतरीन मिसाल है। सिंध हुकूमत चांद पूछ कर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। एमकेएम राबता कमेटी के अरकान ने कहा कि हम पर कारकुनान और अवाम का दबाव बढ़ रहा है। अवाम चाहते हैं एमकेएम को इस सूरत हाल में कोई फैसला करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।